आज हम शर्मा जी को दिखा देंगे हम उनके बिना भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। कहाँ जा रही है? आज मैं और दिया जा रहे हैं आपको छोड़ के। ये देखो शर्मा जी पड़े हुए हैं, बोल रहे मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज तुम घूम के आओ। तो आज मैं और पीछे जो कैमरा लिए पकड़ी खड़ी है ना, दोनों जाएंगे। आज आपकी पूरी हो जाएगी। आप कह रहे थे आपकी बेटी कहाँ है, बेटी कहाँ है, तो आज उसको खूब चटकारे मारते हुए देखना। आओ चटोरी मैडम। ये देखिए चलिए हमारी चटोरी। क्या खाना है उस तरह को? मांस कटा जो मिल जाएगा नीचे। अरे हाय, तो घर चल फिर। नहीं, घर खिला, घर के अलावा वालों को रोटी, घर के अलावा। और ये हमारी मैडम इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी बनाती हुई, स्नैपचैट पे है, स्नैपचैट भी है। दिया वैसे ऐसे अलग अलग ऐसे मतलब पापा जी को घर पे छोड़ के और हम अकेले चलते हैं कई बार बनाने के लिए कुछ खाने पीने के लिए, कैसा रहेगा? हैं, बढ़िया रहेगा ना। लेकिन आप इतना नहीं खिलाओगी ना पापा जी जितना। बदतमीजी। जा मेरे साथ रही है, तारीफ पापा की कर रही है, अब खिलाऊंगी बेटा तेरे को, देखियो। पापा के साथ ही जा तू अपने। कितने की है भैया प्लेट ये? 40 का वन प्लेट। पोटैटो सूप, स्वीट पोटैटो। जानकी सेतु के बिल्कुल पास ही काफ़ी रश होने लगा है, गोलगप्पे वाले, चाट पकौड़ी वाले, ठेले वाले आ गए ना खाने पीने वाले। पहले इधर कोई लोग रहते ही नहीं थे, अब इधर गेट आ गई, इधर से एंट्रेंस हो गई है, तो इधर काफ़ी लोग मिलेंगे। अब बेटा गलत रो में, बीच वाली में आ, मुझे पता ना, मुझे गलत रो में आ रही है। आज बहुत ही सुहाना मौसम है, हल्की मतलब धूप तेज है और बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। वैसे मैंने इनर पहना हुआ है, अब सर्दी नहीं लग रही है। ये देखिए चेस खेलते हुए। भैया इसको क्या कहते हैं? रामफल। लेना दिया? एक रामफल तो ये था, और एक हम जब दिल्ली यहाँ से ऋषिकेश से दिल्ली जाते हैं ना हाईवे पे, वो मीठा बड़ा फ्रूट होता है उसको भी रामफल बोलते हैं, वो बहुत टेस्टी होता है। वो मैंगो जैसा कॉम्बिनेशन होता है उसका, मतलब शायद यहाँ का नहीं, जापान वगैरह का फ्रूट है वो, पर बहुत टेस्टी होता है, उसको इंडिया में रामफल बोलते हैं। यहाँ से गंगा जी ना बिल्कुल विशाल उसमें दिखती है, बहुत ही सुंदर नज़ारा लगता है गंगा जी का। अभी तक तो चाय की शॉप आती जा रही हैं, जिससे मेरी बेटी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। है ना दिया? दिया गंदी गंदी चीज़ें आ रही हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, और ना अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं आ रही है ना। हाँ। गंदी गंदी चीज़ें आ रही है, जूस की शॉप आ रही है, फ्रूट्स की आ रही हैं। दिया उनसे दूर कोसों दूर रहती है बेचारी। दिया सीटी लेगी बजाने के लिए? बच्चों वाली मिल रही है ना, ये देख ये ले ले। मतलब मैं क्यों बजाऊंगी? ले ले बेटा। नहीं। देखिए ये किसी को याद हो आ गया हो तो भाई, मेरा तो मन कराया चटकारे लेने का, बर्फ का गोला, और वो भी फैंटा, बहुत पिया बचपन में। ये सच में यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पहले तो इतनी दुकानें होती थी, अब खाली वही रामफल और चाय, चाय और लेमन, वो सोडा लेमन बस। दिया के मतलब कि कोई चीज नहीं, कितनी दूर आ गए, हमने परमार्थ भी क्रॉस कर लिया है और गीता भवन वाली शॉप भी क्रॉस कर ली है। आगे मिलेगा?
चलो आगे भी देखते हैं। बहुत दिनों बाद टिक्की खा रहे हैं अकेले अकेले। कैसा लग रहा तेरा ये बर्गर? टेस्टी है? अच्छा, और हमने प्राइस नहीं पूछा अभी तक। कितने की प्लेट है भैया? टिक्की 30 रुपए की, बर्गर 40 रुपए का। क्या नाम है आपका? अंजुना। हैं? अंजुना। कितनी सुंदर ड्राइंग कर रहे हैं ना आप। आपने ये सब आपने बनाया? जी। बड़ा सुंदर बना रहे हैं। दोनों हाथ नहीं है आपके? कैसे एक्सीडेंट हो गया था? ना ना ना, बचपन से ही नहीं है। पैर भी छोटा बड़ा है। अच्छा, देखिए हमारे यहाँ पे कैसे कैसे आर्टिस्ट हैं, ये सब इन्होंने पैर से बनाया है और कितना सुंदर है। दोनों हाथ बचपन से नहीं है, पैर भी इनके बचपन से ही छोटे बड़े हैं। इस चटोरी को आइसक्रीम खानी है और आइसक्रीम वाले भैया है नहीं, खानी तो मुझे भी है वैसे। गीता भवन लेके चले। हम इसका चॉकलेट पराठा ढूंढने के चक्कर में ना पूरा राम झूला और पूरा जानकी सेतु और राम झूला क्रॉस करके हम गोवा बीच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो भी नहीं मिला है पर मुझे, और इसको खाना जरूर है पर वो है ना। हाँ। बहुत चटोरी है ये, बहुत ज़्यादा चटोरी। वहाँ ना कुछ फोटोशूट चल रहा है, बेटी तो बैठी है ऑर्डर के लिए इंतजार कर रही है। मैं जरा चल के आपको दिखाती हूँ गंगा जी के पास क्या क्या हो रहा है। देख रहे हैं पीछे अंकल जी बुढ़िया के बाल बेचते हुए, कुछ याद आया? मुझे तो बड़े अच्छे लगते थे खाने में। ये दिया ने ना बनाना कहीं कभी नहीं खाए हम बनाना कहीं। इनको मैं मना कर रही हूँ कि पहले सब कुछ आना तो तब खाएंगे, पहले बनाना खराब है। क्या है ये देखो, बनाना है और उस पे हनी लगा हुआ है। ये देखिए आजकल के बच्चे क्या स्टाइल मारते हुए। दिया इनको शर्म आ रही है, दिया को हमारी को। दिया क्या कर रही है? मेरे को क्यों आएगी? हम खा रहे हैं पैनकेक सैंडविच और पीछे वो रशियन बैठी है वो खा रही है पराठा। ये फ़र्क है देख ले। ये फिर भी टेस्टी है। ये टेस्टी है? माँ कसम इतना गंदा पैनकेक था ना, सब कुछ याद आ गया। कैसा था दिया? मुझे क्या पता था इतना गंदा। बाय गॉड, इससे तो ना दिया गरम गरम लच्छे पराठे, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, तंदूर की रोटी वो खा रहे थे। ये देखिए बच्चे प्रैक्टिस करते हुए, और हमारी चटोरी है खाना खाना जानती है बस खाली। ये देखो मतलब तुझे आज का कुछ पसंद आया खाना वाना जो तूने ऑर्डर किया था, जो सब चटर पटर जो ऑर्डर किया है? देखी थी ना वो आंटी, वो रशियन थी लेडी, वो दाल खा रही थी, दही और कड़ दही थी और क्या था, पनीर का पराठा, गोभी का इसको पनीर का था। तो और हमारी बेटी को चाहिए बाहर का, तो उन्होंने खाया नहीं होगा ना पिज़्ज़ा बर्गर ये चीज़ें। तो भाई आज का वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि इसकी चटरपटर तो चलती रहेंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ़ोन बुक में जो नए आए हैं ना प्लीज़ वो भी शेयर कर दीजिए। और हाँ एक बात और मैं बता देती हूँ कि जो अपने पेरेंट्स का प्लीज़ उनका ध्यान रखिए, उनके साथ बातें कीजिए, और साथ में ऐसे शरारती बच्चों का भी ध्यान रखिए जो आगे जाके आपकी सेवा कर सके। हर हर गंगे हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दो, कमेंट एंड शेयर। ढंग से बोल ले बेटा। तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करो, फिर से करो। जब से ये जानकी सेतु बना है ना इस पे रश बहुत कम हो गया है, कोई इक्का तुक्का वो देखते हैं स्कूटर, और वॉक करने वाले भी कम हो गए हैं, उस पे ज़्यादा आने लगे हैं, है ना दिया? कितनी बदतमीज है।
मतलब मेरी बात काटनी है।